तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। आई एम सो सॉरी कि वीडियो लाने में इतना टाइम लिया, बट द रीजंस वेयर पर्सनल एंड जेन्युइन, वो सब हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आ जाते हैं आज की वीडियो पे, जो कि मेरे नैनीताल ट्रिप की है। वीडियो में आगे बढ़े तब तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो फटाफट से। तो मैं निकल चुका हूँ दिल्ली कश्मीरी गेट के लिए, जहाँ से मुझे मिलेगी हल्द्वानी के लिए बसेस। बट आप सबको मैं बता दूं कि नैनीताल के लिए जो मैक्सिमम बसेस है वो दिल्ली आनंद विहार से मिलती हैं। अब रही बात बसेस की फेयर की, तो प्राइस 500 to 1000 के बीच वेरी करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि एसी है या नॉन एसी, या फिर वो डायरेक्ट नैनीताल को जा रही है या फिर हल्द्वानी तक। यहाँ मैं बता दूं कि ज़्यादातर बसेस जो होंगी वो आपको हल्द्वानी तक मिलेंगी, और फिर हल्द्वानी से शेयर टैक्सीज आपको लेनी पड़ेंगी, जिसकी चार्जेस जो हैं 500 के अप्रॉक्स होती हैं। डिस्टेंस समथिंग अराउंड 50 किलोमीटर है हल्द्वानी टू नैनीताल। तो कैब लेके मैं पहुंचा नैनीताल माल रोड के पास, जहां पहुंचने पे एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई मेरे साथ। एक्चुअली जो हॉस्टल ऑनलाइन मैं बुक करके आया था वो सिटी से काफ़ी दूर निकली, एंड फॉर दैट रीज़न मुझे बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी। लोकल लोगों से बातचीत करके एक अच्छा होटल मुझे मिला, जो कि 1000 पर डे का पड़ा मुझे। आई नो फॉर अ बजट ट्रैवल इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, बट सीज़न के टाइम पे इस रेट में मिलना मॉल रोड में, वो भी डबल बेडरूम और वो भी लेक फेसिंग, इट्स अ गुड डील। ये है हमारा रूम, छोटा है बट काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए रूम जो है, यहाँ से व्यू, ये जो सामने है ये नैनी लेक है, काफ़ी प्यारा व्यू है। तो जल्दी से अब फ्रेश होके हम करेंगे नाश्ता, फिर निकलेंगे हम कैंची धाम के लिए, जो कि यहाँ से समथिंग अराउंड 20 किलोमीटर के करीब है। वैसे अगर आप चाहें तो लोकल बसेस की भी सेवा यहाँ उपलब्ध है, जिसकी फेयर जो है 30 या 50 के अराउंड है। और अगर आप चाहें तो स्कूटी वगैरह भी आप रेंट कर सकते हैं, जिसकी चार्जेस जो है वो 500 to 1000 पर डे के हिसाब से होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन की पीक सीज़न है या ऑफ सीज़न है। तो कैंची धाम जाने के लिए हमें लेना पड़ेगा भवाली गाँव से लेफ्ट टर्न, वहीं अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो हम पहुँच जाएँगे भीमताल, नौगछिया ताल, खोड़ाखाल टेम्पल की तरफ। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कैंची धाम, और ये हमारे पीछे नीम करोली बाबा का आश्रम कैंची धाम। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बालों को, ये हेलमेट पहनने की वजह से ये हाल हुआ है। आश्रम के अंदर फ्रेंड्स कैमरास वगैरह अलाउड नहीं रहते, सो अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर से आपको नहीं दिखा पाऊंगा। बट दोस्तों मेरा दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया, और मैंने काफ़ी देर बैठ के यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया और मेडिटेट किया। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये प्लेस कुछ तो है यहाँ पे, बिलीव मी यहाँ पे सबको एक बार ना एक बार तो लाइफ में जाना चाहिए। तो अब मैं कैंची धाम से निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ खोड़ाखाल मंदिर की तरफ, वापस भवाली से होते हुए। उससे आगे हम जाएंगे भीमताल, फिर नौगछिया ताल, और फिर होते हुए वापस नैनीताल की तरफ। तो दोस्तों ये खोड़ाखाल मंदिर है, ये मंदिर गोलू देवता मंदिर के नाम से भी विख्यात है, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में घंटियाँ और चिट्ठियाँ हैं, तो ऐसा माना जाता है कि गोलू देवता के मंदिर में आप कोई भी विश्व आपकी आप चिट्ठी में लिख के और बांध दें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। तो गोलू देवता टेम्पल से होते हुए हम निकल पड़े भीमताल की ओर, जहाँ पे रास्ते में मुझे एक पैराग्लाइडिंग स्पॉट मिला। वैसे तो कोई प्लान नहीं था पैराग्लाइडिंग करने का, बट फिर मुझे दिखा तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं फॉर द एक्सपीरियंस। सो अगर चार्जेस की बात करूँ तो मेरे को 3000 पड़ा विद वीडियो शूट और 15 मिनट की फ्लाइट। बट आई मस्ट टेल यू कि 3000 में ये मुझे वर्थ इट नहीं लगा,
बट पहला टाइम था तो बस एक्सपीरियंस के लिए अच्छा था, इट वॉज गुड। पहाड़ों में खो गया मेरा दिल कहीं दूर, पहाड़ों में खो गया उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया, अरे कोई तो जाओ। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था पैराग्लाइडिंग का, इट वॉज गुड, नॉट अप टू मार्क बट इट वॉज गुड। अब हम निकल चुके हैं भीमताल की तरफ, वहां से आगे हम फिर जाएंगे नौगछिया ताल। सो यहाँ ऐसा सच कुछ था नहीं तो हम निकल लिए वापस नैनीताल की ओर, और फिर नैनीताल पहुँच के हमने की पेट पूजा, और फिर हम निकल लिए बोटिंग के लिए जो कि यहाँ की फेमस है। सो अगर बात की जाए बोटिंग की फेयर की तो वो कुछ ऐसे थे कि 420 फॉर द फुल राउंड जो कि 40 से 45 मिनट की होगी, एंड 320 फॉर द हाफ राउंड। सो आई प्रेफर कि आप जाना तो फुल राउंड ही लेना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। तो दोस्तों नैनीताल आए और नैना देवी के मंदिर ना जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी चलते हैं हम नैना देवी के मंदिर। एक्चुअली मैं चाहता था कि आरती अटेंड करूं, बट फॉर सम रीजंस मैंने लेट कर दिया, तो आरती तो हमें नहीं मिली बट पूजा हमने काफ़ी अच्छे से की। सो मत्था टेक कर हम निकल लिए मॉल रोड की तरफ। अब दिन भी एंड हो गया है तो इसी के साथ हम ब्लॉग को करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते।